तो आज देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम अपने जो डेटाबेस पर काम कर रहे थे, जिसमें हमने सिंगल रिपोर्ट और सारी पीस की रिपोर्ट बना ली थी, इसके अंदर फी रजिस्टर का मॉड्यूल कैसे ऐड करेंगे, स्टूडेंट ओ सॉरी अटेंडेंस रजिस्टर का मॉडल कैसे ऐड करेंगे कि स्टूडेंट जो है अब अटेंडेंस भी है उसकी रिकॉर्ड करने लग जाए। अटेंडेंस रजिस्टर का मॉड्यूल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है टेबल के ऊपर। अब टेबल का जो मामला है, इसमें अटेंडेंस रजिस्टर के लिए आप सबसे पहले सेव करेंगे और एक बनाएंगे आप अटेंडेंस रजिस्टर के नाम से। यहाँ से क्लिक करके हम चले जाएंगे डिजाइन व्यू में, यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस आईडी और यहाँ पर अब किस तारीख को अटेंडेंस दी जा रही है, तो अटेंडेंस डेट डेट टाइम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। इसके बाद अटेंडेंस कौन किसकी होगी है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट की अटेंडेंस होगी, तो अब यहाँ पर डेटा हमें स्टूडेंट का चाहिए होगा, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे लुक अप। तो यहाँ पे क्लिक करके हम ले लेते हैं लुकअप विजार्ड, और लुकअप विजार्ड में जाके वही हमने बताना है कि भाई ये जिसकी अटेंडेंस है वो जीआर रजिस्टर से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके उसका रोल नंबर, जीआर नंबर, फुल नेम का डेटा हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फ्रेश करेंगे, तो इसका नाम हम कैंडिडेट वो लिख देंगे बाद में, चलो यस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैंडिडेट, उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर क्लिक करके आपने अटेंडेंस के स्टेटस बनाने, एक और टेबल क्रिएट करना है, कंट्रोल एस करना है, सेव करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया अटेंडेंस इंडिकेटर्स, फ्रेश कर देना है, डिजाइन व्यू में जाना है, अटेंडेंस इंडिकेटर्स आईडी, यहाँ पे क्लिक करके लिख देना है इसका इंडिकेटर्स, शॉर्ट टेक्स्ट पर रख के डेटा शीट व्यू में आना है, ऐड करा देना है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हॉलीडे, संडे, चाहे तो पूरे पूरे प्रेजेंट एब्सेंट लीव पूरा पूरा लिख लें, ठीक है, चाहे तो PALHS लिखते हैं। उसके अलावा और भी छुट्टियां ऐड कराएंगे आप इसमें, स्ट्राइक, ठीक है, और ईद, ठीक है, मुहर्रम, और इसमें बाद में भी ऐड करा सकते हैं, ठीक है, कौन सी छुट्टी है वो हम ऐड करा देंगे तो आ जाएगा क्रिसमस। क्लोज कर देंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे लुकअप विजार्ड, क्लिक करेंगे यहाँ पे अटेंडेंस इंडिकेटर्स, ऐड करा देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश कर देंगे। फाइनली ले जाएगा स्टेटस या रिमार्क्स, उसके लिए हम फील्ड ऐड करा देंगे लॉन्ग टेक्स्ट, उसके बाद इसको यहाँ से कर देंगे हम क्लोज, क्लिक करेंगे यहाँ पर, दोबारा जाएंगे अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर। यहाँ पर एक चीज का ख्याल करना है कि जो अटेंडेंस आईडी है बेसिकली ये नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एक आईडी पे एक अटेंडेंस ही लगेगी ना, एक स्टूडेंट की कई बार अटेंडेंस लग सकती है, तो यहाँ से हम हटाएंगे पहले प्राइमरी की, ठीक है, और इसको भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब अटेंडेंस डेट आएगी डायरेक्टली, कैंडिडेट चूज होगा, उसका इंडिकेटर लगेगा और रिमार्क्स हो जाएगा। अटेंडेंस डेट पे डिफॉल्ट पे जाके फंक्शन लगाएंगे डेट का, जो ऑटो डेट जनरेट करेगा, उसके बाद सेव कर देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे, क्रिएट करेंगे अटेंडेंस रजिस्टर को।
फॉर्म विजर्ड के जरिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे कॉल्यूमर फॉर्म में, नेक्स्ट करेंगे, हम इसका नाम रखेंगे एड न्यू अटेंडेंस, फिनिश करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, लेआउट पे ले जाएंगे इसको, ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लिक करेंगे यहाँ पे 16, 14, चेंजेस में जाएंगे, स्टैक करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हमने सेव कर देंगे, राइट डिजाइन व्यू में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे, अटेंडेंस डेट को सिर्फ हम डेट कर देंगे, कैंडिडेट इंडिकेटर्स यहाँ पे स्टेटस लगा देते हैं, रिमार्क्स इफ एनी करके लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर वही जो हमने फॉर्म्स बना रखे हैं उनमें से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, बटन्स हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल, फॉर्म डिजाइन व्यू में जाके सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओपन करेंगे फॉर्म को। हाँ भाई, किस कैंडिडेट की हमें लगानी है प्रेजेंट, आज की डेट आ रही है 2 दिसंबर की, क्लिक करेंगे, जिशान हैदर पे क्लिक करेंगे और स्टेटस चूज करेंगे। उससे पहले एक और काम करेंगे, इसको बंद करेंगे, टेबल के डिजाइन व्यू में जाएंगे। एक मसला है कि एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा बार अटेंडेंस लग सकती है, ठीक है, इसलिए हम इसकी डुप्लीकेशन वैल्यू को रोक नहीं सकते। सिमिलरली एक स्टूडेंट की कई बार प्रेजेंट लग सकती है और प्रेजेंट की फील्ड में भी प्रेजेंट एब्सेंट कई बार आ सकता है, इसलिए भी इसको डुप्लीकेट होने से रोक नहीं सकते, यूनिक नहीं कर सकते। सिमिलरली अटेंडेंस रजिस्टर के साथ भी यही सीन है कि अटेंडेंस रजिस्टर में भी आपको यही डेट पर भी यही चीज ख्याल करना है कि एक डेट पे कई अटेंडेंस लग सकती है, इसलिए भी इसको आप डुप्लीकेट होने से नहीं रोक सकते। तो ये तीनों फील्ड में डेटा डुप्लीकेट होगा बार बार। अब इसमें आपको ख्याल ये करना है कि एक स्टूडेंट की 2 बार अटेंडेंस ना लगे, इस चीज का ख्याल करना है। चले लगाया आज की डेट पे, सबसे पहला कैंडिडेट लिया जिशान हैदर, स्टेटस उसका लिया हमने प्रेजेंट, प्रेजेंट एक्सेप्ट कर दिया, न्यू, फिर लिया यहाँ से हमने जतिन कुमार, स्टेटस का भी प्रेजेंट लिया, सेव एंड न्यू। फिर हमने लिया यहाँ पे अगला कैंडिडेट माधुरी दीक्षित, आदि एबसेंट है, एबसेंट, कोई रिमार्क्स है अगर इसके बारे में, रिमार्क्स क्या हो सकते हैं, रिमार्क्स भी हम लुकअप में ले सकते हैं, मतलब कैजुअल लीव है, एनुअल लीव है, सिक लीव है, जितने किस्म के हैं ताकि लिखना ना पड़े। अब लिख रहे हैं तो विदाउट इंटीमेशन लिख देते हैं, सेव, फिर न्यू, क्लिक, सुनेना प्रेजेंट है, सेव, फिर न्यू। अब डेट कल जब लगाएंगे तो कल डेट चेंज हो जाएगी, लेट्स सपोज फर्स्ट की, तो नहीं यहाँ पे लगा लेते 6 की, 3 दिसंबर की लगा लेते। तो ये देखें दोबारा से प्रेजेंट, कोई एरर नहीं आ रहा, एब्सेंट कर देते हैं इसको, सेव, कोई एरर नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट कर देते हैं, सेव, इसको लीव पर भेज देते हैं। सेव, डेटा सारा का सारा जाके डेट वाइज आ रहा है सारा डेटा, ठीक है। अब यहां पर वो
डेट फॉर्मूला लगाया हुआ ना अपडेशंस के ऊपर, तो वो अपडेट नहीं कर सका, डेट डिफॉल्ट वैल्यू पे चली गई, मतलब डेली की अटेंडेंस डेली होगी, ठीक है, और वैसे लगा रही है तो फिर आपको खुद से जाके चेंज करना होगा। जैसे कि ये प्रेजेंट एब्सेंट लीव और इसका तो हो गया था यहाँ पे मामला, अगले दिन ये 3 दिसंबर की लगी, बाकी जो है वो चेंज नहीं करी मैंने, तो ये 2 दिसंबर की आ गई, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। वो मैंने क्लिक नहीं किया होगा ना, ऑटो अपडेट हो रहा था, तो ये आ गया यहाँ पे आपका अटेंडेंस का हिसाब बन रहा है, सही, सारे स्टूडेंट की अटेंडेंस आ रही है। अब इस अटेंडेंस रजिस्टर का बना लें आप, आउटपुट कैसे लेंगे, यहाँ से ऐड किया, नेक्स्ट, अब ये बनाएंगे हम टेबुलर फॉर्मेट पर, ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म बन गया है, रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट रिजल्ट, ये देखिए। अब इसको सही करना है, यहाँ पे आईडी की जगह पे नाम लेना है, तो इसको डिजाइन व्यू में ले जाना पड़ेगा, एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, कैंडिडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको ऐड कराना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करके शो टेबल्स ऑल टेबल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा डेटा हम अटेंडेंस का लेकर आएंगे, लेकिन अभी इसमें एक बात है, वो मैं आपको वैसे बता